के लिए हम रेडी होती। मून मामा, वालेकुम अस्सलाम। सीमा विद कचोरी, ईद मुबारक आपको भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। नमाज के लिए हम रेडी होती, अच्छे लगती। यस वल्ला हबीबी, वल्ला हबीबी। ये ड्रेस पहनते आपके अंदर हबीबी घुस जाती, शेख आ जाती हमारे। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो नमाज के लिए रेडी हूँ मैं, ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और बस पहले नमाज पढ़ के आते हैं, उसके बाद सारी बातें करते हैं। ये रहा हमारा कंदूरा। अब मैंने इसका नाम, बहुत सारे इस ड्रेस के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। होप भी है, कंदूरा भी है, कोई जिलबाब भी कहता है, बहुत सारे नाम है। तो कंदूरा मेरे को ज्यादा आसान सा लग रहा है, तो मैंने वो ही मैं सबको बताऊंगा। अगर जिसको नहीं मालूम होगा तो वैसे सभी को मालूम होता है। और पहले चप्पल तो चेंज कर लेते हैं, ये क्या पहन हो, चप्पल का भी दूसरी पहन हो रही है। चलिए जी गाइस, चलते हैं ईद की नमाज के लिए। पहले नमाज पढ़ के आते हैं। One hour later. हाँ जी, तो गाइस मैंने ना ये कुछ स्टेशनरी का सामान मंगवाया था, और मैंने ये बोला था वासिफ से मंगवाया था कि मुझे ना कुछ DIY डेकोरेटिव आइटम बनाना है अपने डिनर टेबल पे, मतलब डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। बट मैं कुछ इसमें बॉक्स में कुछ पैक करने वाली हूँ, वो भी वासिफ के लिए ही है। इसके लिए मैंने सामान मंगवाया था, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी इस क्लिप को मैं हाइड कर दूँगी, जब तक ये दूँगी नहीं तब तक मैं दिखाऊँगी नहीं। एंड चलिए साथ मिल के पैक करते हैं। तो गाइज ये मैंने तैयार कर लिया है ईदी गिफ्ट पार्सल। इसमें जो कुछ भी है वो अभी जब मैं दूंगी तो आप देख लीजिएगा, वो दिखा देंगे खोलकर। और अब मेरे को ये हो रहा है मैं इसे छुपाऊँ कहाँ, क्योंकि अब उनके आने का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ के आ रहे होंगे। मैंने इसमें कुछ चॉकलेट्स वगैरह वगैरह चीज़ें रखी हैं, और वो सब आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। इसे फटाफट से छुपा देते हैं। Moments later. कौन आया मायशो, कौन आया गेट पर, कौन है देखना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप। ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं भी बस अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले 10 मिनट कब्रिस्तान से आके बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो आप सभी को। बस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं भी आया हूँ कब्रिस्तान से, नमाज हो गई ईद की, फिर कब्रिस्तान गए हम भाई और मैं, और बस अभी थोड़ी देर पहले आके बैठे हैं। बच्चे रेडी हो रहे हैं, बस घर रेडी हो गया और हमारा घर रेडी हो गया, चादरे वादरे बिछ गई है, अभी दिखाते हैं आपको। बाकी बच्चे बच्चे रेडी हो जाए, और हमेशा की तरह इनके मामा आ गए हैं सबसे पहले हमारे घर में। सबसे पहले मेहमान बच्चों के मामा आते हैं, छोटे वाले। तो जी गाइस, मायरा रेडी हो गई हैं, आ जाओ भाई आ जाओ। ओह वाओ, अस्सलाम वालेकुम, आज सभी को ईद मुबारक। हाँ जी, तो गाइज आज के दिन का पहला दस्तरखान लग चुका है हमारा, और हम नाश्ता कर रहे हैं। हमारा कचरी कीमा, दही बड़े, हमारा शेर कुर्मा, हमारी इमली की चटनी, और स्पेशल आज के दिन की कचोरियाँ। जी गाइज, हमारा सेकंड बच्चा हमारे घर का रेडी हो गया है, माइनू, और आ रही हैं। चप्पल पहन रही है अभी, पहन ली नहीं पहनी, जल्दी पहनो ना यार, जल्दी करो ना यार, आ जाओ तो ना जल्दी से, आओ ना। ए वाओ माशाल्लाह, सलाम कौन करेगा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अच्छा जल्दी से बोलो ईद मुबारक,
आप सभी को ईद मुबारक। तो जी गाइस, ये था वो आउटफिट जो हम सेकंड डे गए थे, मतलब हम जो दोबारा से मार्केट गए थे और इत्तेफाक से इन दोनों का आउटफिट ले लिया था, मिल गया था हमें मतलब। तो ये था वो आउटफिट जो हमने नहीं दिखाया था। काफी लोग कह रहे थे आपने आउटफिट तो दिखाया नहीं जो आप लेकर आए थे, तो वो ये था आउटफिट दोनों का सेम। पहले दिन हमने दोनों का सेम रखा, सेकंड डे दूसरा है, वो आप कल के व्लॉग में देखना। कहाँ भाग रही है, रुक तो जाओ, फोटो तो खिंचवा लो, एक साथ में खले होके अब पीके। हाँ जी, तो गाइस बच्चे रेडी, पापा रेडी, सब रेडी हैं और मैं अभी रेडी नहीं हुई। अब मैं जो शील मैंने बनाई थी और जो आस पड़ोस में भेजनी है वो भेजूं, मैंने कहा बच्चे लोग रेडी हो गए तो देकर आओ फटाफट से। तो शीर, दही बड़े, कचौरी। जाइए मायरा पापा के साथ, बाय। जी तो गाइस, बटने बटाने का सारा काम हो गया, बच्चे भी रेडी हो गए, बस अब बच्चों को ईदी देंगे और देखते हैं। मैडम तैयार हुई नहीं हुई, क्योंकि सबसे लेट वही तैयार होती है, क्योंकि भैया सारे काम पहले वो करती हैं, बच्चों को नहलाना धुलाना तैयार करना, उसके बाद घर का काम सारा करना, उसके बाद जाके वो रेडी होती हैं। हाँ जी, रेडी हो गई नहीं हुई, अब हुई हैं जी रेडी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ये है मेरा प्यारा सा आउटफिट, और ये आउटफिट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये जरी वर्क करके एक पेज है इंस्टाग्राम पर, उन्होंने मुझे ये हैंड वर्क करा के मतलब भेजा है, बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत। इसकी फुल डिटेल मैं यहाँ पे भी डाल दूंगी, उनके पेज का नाम, और इंस्टाग्राम पे तो कोलैबोरेशन रील डालूंगी, वो देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारे कलेक्शन है और बहुत रीजनेबल, और वो खुद हैंडमेड मतलब हाथ का वर्क है सारा, तो हैंड एम्ब्रॉयडरी है, और बहुत प्यारा सूट लग रहा है। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट। ओ गाइस, ये सरप्राइज देते हैं जल्दी से, पास आ जाओ। अले अले अले, ईद मुबारक आपको मेरी तरफ से। ये मैंने जो सामान मंगवाया था ये इसलिए मंगवाया था, मुझे आपके लिए ये बॉक्स पैक करना था, और ये सरप्राइज आपके लिए। ईद मुबारक, हमें मिल रहा है सरप्राइज, वाह भाई वाह। तो ये मैंने आपसे जो सामान मंगवाया था ना, ये मैंने आपके लिए मंगवाया था। कुर्ता पजामा कब मंगाया? ये सरप्राइज मिंत्रा से मंगाया। अरे वाह भाई वाह, लो पैसे हमें देने चाहिए, उल्टा हमें भी मिले। आप हर साल मुझे ईदी देते हो, इस साल मैंने कहा मुझे भी कुछ ना कुछ देने का बनता है, मैंने कहा आज इस बार मैं आपको कुछ सरप्राइज दूं। भाई वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, मेला है ये। तो जी गाइस, इसमें है मेरा एक कुर्ता पजामा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम कब आया कैसे आया। चॉकलेट्स हमें ईदी मिली है इस बार बेगम की तरफ से, वाह हमें देनी चाहिए, हम देंगे, बल्कि उल्टा हमको भी मिल गई है। कोई बात नहीं, शोहर तो हमेशा देते हैं, तो बीवियां भी दे सकती हैं, जरूर थोड़ी हर बार शोहर ही दे, शोहर तो देते ही है, वो तो देंगे ही, हर साल देते हैं, इस बार मैंने सोचा मुझे भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। वही वाह, और ये वॉलेट, ये इतर का, हाँ। इतना चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चॉकलेट तो इन दोनों की हो जाएंगी, नहीं आपकी है। ये देख, नाक में उंगली ली भी थी, गंदी बच्ची मेरी है। चले जी गाइस, हमने अपने ईदी कार्ड्स में ईदी लगा ली है हमारे घर के बच्चों के लिए, माहिरा, माहिशा, अलीमा, अलवीरा। चलो जी, ये है किसका नाम है, ये है माहिरा, ये लीजिए माहिरा की ईदी। माहिरा की ईदी मिल गई, और ये है माहिशा, ये लीजिए माहिशा आपकी ईदी, और बाकी थैंक यू बोलो अलवीरा की है। अभी ऊपर जा रहे हैं तो उनको दे दो, चले फिर ऊपर, चले। अरे हाय माहिशा दिखाओ, अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, बिस्मिल्लाह, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। इतनी डॉग डॉग की लिपस्टिक लगा रखी है। वीरा इधर तो आओ, इधर तो आओ, आवाज नहीं आ रही, इधर आके बोलो। आपका तो ये लो, ये आपका।
और एक दलवीरा लिखा है, वो किसका नाम है? सलाम के लिए। आपका सही है, आपकी सलाम के लिए। वालेकुम अस्सलाम, आप भी कर दो। गाइस हम लोग आ गए नीचे और एक चीज दिखाना तो भूल ही गया, हमारी चांदनी तो देख लो। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, अभी तक दिखाई नहीं थी। हमारे कुशन कवर्स, हमारी चांदनी और पर्दे। पर्दे तो खैर पिछले साल वाले ही हैं, लेकिन ये चांदनी और ये सब नए हैं, ये सारी लिए थे हमने। चांदनी एक नंबर लग रही है भाई साहब, है ना? बहुत बढ़िया। वेलकम वेलकम, आइए। पहचान पाएगा अभी कोई नहीं पहचानेगा। कोई बात नहीं, अभी पहचान लेंगे। मायनू क्या हुआ? अटेंशन मेरे को तो लग रहा है कि तुम शॉक हो गई हो। तीन बार करते हैं। हां जी, तो गाइस अभी शाम हो गई है और शाम को आई है मेरी प्यारी सी फ्रेंड महिमा, जिससे मैं आपको पहले भी मिलवा चुकी हूँ। एक ब्लॉग में शायद मैंने आपको मिलवाया था। मेरी फ्रेंड भी है, मेरी मैनेजर भी है, मेरे ब्रांड्स भी मैनेज करती हैं, बहुत अच्छी दोस्त है। तो मेरे लिए ईद विश करने के लिए घर पे आई है, मैंने इनवाइट करा था। तो अब हम लोग बैठ के एक घंटे से इतने गप्पे मारे कि हमें होश ही नहीं था, कि हमने कहा कुछ वीडियो भी बना ले, कुछ फोटो भी क्लिक कर ले। नहीं भाई नहीं, जब हम मिलते हैं ना इतने गप्पे मारते हैं, इतनी बातें करते हैं कि बस। आप सबको भी ईद मुबारक। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक और थैंक यू आने के लिए। कोई नहीं, फैमिली। तो जी गाइस 6:30 हो रहे हैं और हमें थोड़ी सी भूख लग रही है, तो एक बार फिर से दस्तरखान बिछ चुका है और कीमा मैंने सुबह चखा था थोड़ा सा, फिर ठीक से नहीं खाया था, तो भूख लग रही है, अब दोबारा से खा रहे हैं। तो सारा दिन चलता ही रहेगा, अभी 3 दिन तक चलता ही रहेगा, बार बार दस्तरखान लगेंगे। खाओ जितना मर्जी है ज़रा, लेकिन लिमिट में होके खाओ, वरना पेट खराब हो सकता है। बढ़िया कीमा विद कचौरी। बहुत ही बढ़िया, सुबह शॉट नहीं लिया था ना, इसलिए अब ले लिया शॉट। 2 hours later। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। चल रहे हां जी, ईद मुबारक आपको भी। आइए जल्दी से मेरे चॉकलेट। हाँ। आप तो गई नहीं, लेकिन अब तो शर्म नहीं आ रही। आ रही है? आई, आ गई, आ गई, कहते ही आ गई। आ गई शर्म, कहते ही आ गई। तो गाइस बस अब हो रही है हमारी बाय बाय। नशरा जा रही है अपने घर, काफी लेट हो गया है। आज था ईद का दिन और बहुत अच्छा गुजरा और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब इंशाल्लाह मैं आऊंगी आपके घर। बिल्कुल आइएगा आप हमारे घर वासिफ भाई के साथ इंशाल्लाह। अब जल्दी से मिलते हैं फिर से इंशाल्लाह। और आपसे भी मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब आप आइएगा इंशाल्लाह जल्दी, इंशाल्लाह ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी। तो गाइस अब बज रहे हैं रात के 11 और ईद का दिन होता है ख़त्म। हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, काफ़ी लोग आए, और आप बताइएगा आपका दिन कैसा गुजरा कमेंट करके। और बस काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है, क्योंकि नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। रात को 3 बज गए थे सोते सोते, और फिर 4:30 बजे उठ गए थे हम, 4:45 बजे उठ गए थे, और उसके बाद बस तब से ही लगे हुए हैं कंटिन्यू। बाकी इस व्लॉग को रखते हैं इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कल का व्लॉग और बढ़िया होने वाला है, क्योंकि कल एज यूजुअल हमेशा की तरह हम जाते हैं अम्मी के घर, हमारी होती है दावत, तो वो व्लॉग भी आएगा, उसको भी देखिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे बच्चे चेंज कर रहे हैं, इन्होंने अपने नाइट आउटफिट में आ गई हैं, ये भी आ गई हैं, इनको देख लो, चेहरे पे बच चुके हैं 12, थकान के मारे बुरा हाल हो चुका है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।